उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज समेत गोरखपुर और बस्ती मंडल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ शनिवार को समीक्षा बैठक करने पहुँचे थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफ्लाइटिस के प्रति स्वास्थ्य अधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि इंसेफ्लाइटिस को लेकर पूरी सतर्कता बनाए रखें। यदि कोई मरीज यूपी के बाहर बिहार नेपाल या फिर किसी अन्य जगह से आता है तो उसका इलाज भी पूरी तन्मयता से करें। सीएम ने कहा यूपी के अस्पतालों में मरीज कहीं से भी आए मगर उसको स्वस्थ करना हम सब की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण पाया गया है इस मुहिम को और तेज करके इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह से खत्म करना है, इसके लिए सभी स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी कमर कस लें। सीएम योगी ने अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विषाणु जनित बीमारियों के रोकथाम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बीमार व्यक्ति सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही पहुँचता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल कॉलेज परिसर में बने इंसेफ्लाइटिस वार्ड का दौरा किया और व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों के परिजनों से बातचीत की, साथ ही डॉक्टरों से भी सजगता के साथ इलाज करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए और किसी भी प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के उन्मूलन के लिए हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों से यूनिसेफ के साथ दस्तक का एक कार्यक्रम 38 जनपदों में प्रारंभ किया था। शेष प्रदेश सरकार के स्तर पर भी हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था। कई चरणों में एक कार्यक्रम चला है, उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। मैंने इस दिशा में विगत दिनों सभी जिलाधिकारियों का, फिर म्यूनसिपल कमिश्नर्स का और मंडलीय जो कमिश्नर थे उनकी भी बैठक मैंने की, अलग से की थी। सभी CMO, निडी हेल्थ, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के अस्पताल हैं, लगभग 174 हॉस्पिटल हमारे प्रदेश में हैं, उनके जितने भी CMS हैं, इन सब के साथ भी मैंने अलग से बैठक करके उन लोगों को इस बारे में कहा था कि हम लोग इंसेफ्लाइटिस हो, डेंगू हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो या कोई भी इस प्रकार की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हॉस्पिटल्स हमारे सभी तैयार हों, PHC हों, CHC हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेजेज हों,
यहाँ पे तो हमारी तैयारी होनी ही चाहिए। जागरूकता का भी विशेष कार्यक्रम चलना चाहिए। जागरूकता के ही कार्यक्रम में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई कि जितने भी हमारे ये सभी जनपद हैं, यानी म्यूनसिपलिटी 38 जनपद बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन सभी 75 जनपदों में हर जनपद किसी न किसी प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रभावित है। कहीं इंसेफ्लाइटिस है, कहीं डेंगू है, कहीं मलेरिया है, कहीं पर कालाजार है, कहीं चिकनगुनिया है, किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इसके लिए सबसे पहला कार्य एक अंतर विभागीय व्यवस्था हम लोगों ने तय की। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए ग्राम्य विकास को, नगर विकास को, पंचायती राज को, महिला और बाल विकास को, इस प्रकार की 12 विभागों को जोड़ करके और एक सामूहिक बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाने की व्यवस्था आगे बढ़ाई है। इस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के क्रम में स्वच्छता को फोकस करते हुए यही है इसका मुख्य कारण, गंदगी है, खुले में शौच है, अशुद्ध पेयजल है और समय पे उपचार न उपलब्ध होना, ये रहा है। हमने बेहतर प्रबंधन और समन्वय के माध्यम से विगत वर्ष जो अपनी कार्य योजना बनाई थी उसके बेहतर परिणाम आए। जेई और ईएस काफ़ी हद तक नियंत्रित हुआ, काफ़ी कंट्रोल हुआ, लेकिन यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह कार्य ये चीज़ें तय की हैं और 1 जुलाई से फिर से हम लोग दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम को फिर से आगे लेकर के चल रहे हैं। इसमें जन सहभागिता भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग इसमें भाग लेंगे, भारत सरकार का इसमें हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, साथ साथ आम जन की सहभागिता। हमने ट्रेनिंग दी पीडियाट्रिशियंस को, जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको, जितना हमारा नर्सिंग स्टाफ है उनको, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, इन सब को हम लोगों ने बेहतर ट्रेनिंग देने का कार्य भी किया है, जिससे किसी भी प्रकार की वेक्टर बॉर्न डिजीज के नियंत्रण करने में चिकित्सक या पैरामेडिकल का स्टाफ या ENM इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और उस देश से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो आज मैंने गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के 7 जिलों की बीआरडी मेडिकल कॉलेज और बस्ती में हम लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज बनाया है इस सत्र से वहाँ पर क्लासेस भी प्रारंभ होंगी, एडमिशन प्रारंभ होंगे, तो इन सब की एक समीक्षा बैठक इन के लिए जिसमें प्रदेश के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों ने भी भागीदारी सुनिश्चित की, क्या तैयारी है इसके बारे में उन्होंने बताया है। हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विगत वर्ष जितना नियंत्रण हमने किया है उससे बेहतर प्रबंधन इस बार में।